नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं जोधपुर राजस्थान के किसान। हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड पर। खेती या कहें सारे जीवन का आधार मिट्टी ही है। अच्छी उपज के लिए आवश्यक है कि मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। गहन कृषि पद्धति अपनाने के साथ ही उपज तो बढ़ी ही, लेकिन साथ ही पोषक तत्वों का भी अत्यधिक दोहन हुआ, जिस कारण कई क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। फिर किसानों ने मिट्टी में सिर्फ 3 पोषक तत्व NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का ही अधिक उपयोग किया, जबकि मिट्टी से 14 पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। NPK के अधिक उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया है। अब महंगे उर्वरकों को डालने से पहले आवश्यक है कि मिट्टी की जांच जरूर करवाई जाए। इससे जितना आवश्यक है उतने ही पोषक तत्व उपयोग किए जाएंगे और बेकार का खर्च भी बचेगा। तो सबसे पहले कराएं मिट्टी की जाँच। हमारे बीच में मौजूद है राजेश मवाल जी, उनसे जानेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गत सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोत को, प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत अपने जो संबंधित ग्राम पंचायत का कृषि पर्यवेक्षक होता है उसके द्वारा असिंचित जमीन है उसमें 10 हेक्टर में एक नमूना लिया जाता है, और जो सिंचित जमीन है उसमें 2.5 हेक्टर में एक नमूना लिया जाता है। उस नमूना तथा उन खसरों के भीतर जो जो किसानों के नाम आते हैं उन सबको मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाता है। सर, जो पहले 3 साल पहले की खेती होती थी और अब की खेती में कितना बदलाव है? पहले जो किसान है उनके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो जागरूक किसान थे वही करवाते थे, जो लेबोरेटरी जानते थे, और पूरा का पूरा इतनी जागरूकता नहीं थी कि पूरा गांव वाले सभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते थे। आजकल इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और प्रत्येक किसान को सरकार का लक्ष्य है कि सॉइल हेल्थ कार्ड दें, तो सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा अपने ये पता चल जाता है कि जमीन में कितना पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, तो वो उसी प्रकार दिया जाता है और मृदा ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, जितना उसको पोषक तत्व चाहिए उतना ही दिया जाता है, तो पौधे की बढ़वार भी बढ़िया होती है, उपज भी बढ़िया होती है और आमदनी भी बढ़ती है। सर, यहाँ पे जो मौजूद किसान हैं तो कितना उन्होंने फ़ायदा लिया है सॉइल हेल्थ कार्ड से? सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग सभी किसानों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड हैं और ये योजना से लाभान्वित भी हैं और फ़ायदा भी ले रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड मृदा स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं। उसमें पहले हमने हमारे खेत में सल्फर बहुत ज़्यादा नाकने पड़ती थी, एक हेक्टर में लमसम 10 kg सल्फर नाकते थे। अभी मृदा स्वास्थ्य सॉइल हेल्थ कार्ड में जांच करना कराने के बाद भी पता चला कि यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा सल्फर है हमारी ज़मीन के अंदर भी, और सल्फर अभी हम नहीं नाक सकते हैं। क्या इससे आपने लाभ लिया है? देखिए, एक हेक्टर में 10 kg सल्फर बच पाती है तो ये लाभ तो मिलेगा ही, और इसके बदले में हम क्या है और दूसरे खाद डालते हैं तो उसे आमदनी और भी ठीक होती है। हमारे बीच में और भी किसान मौजूद हैं जोधपुर के, उनसे हम पूछेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। ये कार्ड बनाया ज़मीन तय करने के लिए। इससे आपने लाभ लिया है? लाभ लिया है। मैं पहले खाद ज़्यादा डालता था, यूरिया ज़्यादा डालता था, DAP ज़्यादा डालता था और जिप्सम बिल्कुल डालता भी नहीं था जी। फिर अब इसने बोला कि जिप्सम डालो जी, तो जिप्सम डालना शुरू किया तो मेरे फसल भी पहले 2-2.5 क्विंटल होते थे, अब 5 क्विंटल हो रही है बीघे में सरसों। और नाइट्रोजन को भी पता चला और वो सभी ज्ञान प्राप्त हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड एक जमीन की स्वास्थ्य जांच, जिस प्रकार से इंसान की स्वास्थ्य जांच की जाती है उसी प्रकार से जमीन की स्वास्थ्य जांच की जाती है। उससे हमें पता चलता है कि कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसके फायदे क्या है? इससे पहले हम अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग करते थे और हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता था। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के बाद हमने जिस प्रकार से सॉइल कार्ड में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रयोग किया और उससे हमें काफ़ी खर्चा कम हुआ और आमदनी ज़्यादा हुई। क्या आपने इससे लाभ लिया है? लाभ लिया है। पहले मैं DAP, यूरिया और SSP का अंधाधुंध प्रयोग करता था, जहाँ पर एक हेक्टर में
तीन बैग डीएपी का इस्तेमाल करता था, अभी वहाँ पर करीब एक बैग का इस्तेमाल करता हूँ। यूरिया है वो करीब एक बैग का यूज करता था, वहाँ 30 केजी यूज करता हूँ। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे सोयल हेल्थ कार्ड के और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में मौजूद हैं विशेषज्ञ संजय कुमार सिंह जी, उनसे हम जानेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें मिट्टी से संबंधित सभी चीज़ों का विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध होती है। उसमें हर खेत का अलग अलग उसका परीक्षण होता है, जिसमें किसान को उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि किस खेत में किस खेती के लिए कौन कौन सी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, इस विषय में उसको जानकारी अच्छे से अच्छे हेल्थ कार्ड के थ्रू दी जाती है। वो पूरा रिकॉर्ड उसका रखा जाता है, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम भी कुछ करने जाए तो पहले उसका रिकॉर्ड देख दिया जाए, पहले क्या कमी थी अब क्या कमी नहीं है, और फिर क्या नई चीज़ उसमें कमी हो रही है या ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, इस विषय में हेल्थ कार्ड में पूरा डिटेल रहता है। सर, सॉइल हेल्थ कार्ड के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे इससे किसानों को बहुत हैं। इससे किसान जैसे पहले बिना चेकिंग मिट्टी के परीक्षण के ही खेती करता था, उसमें किसान अपने हिसाब से कितना खाद डालना क्या है उसी हिसाब से वो डाल देता था, और किसानों में अक्सर ये रहता था कि आज पड़ोसी किसान हमारा एक कट्टा यूरिया दे रहा है तो दूसरा उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता था, ज़मीन के बारे में कोई नहीं सोचता था। लेकिन जब परीक्षण शुरू हो गए तो उससे ये पता चल गया कि किसमें क्या कमी है क्या ज़्यादा है, उसी हिसाब से किसान जैसे यूरिया ज़्यादा यूज़ करता था अब कम शुरू हो गई, डीएपी का इस्तेमाल ज़्यादा करता था उसका उसी सॉइल के डिमांड के अनुसार ही हम उसको दे रहे हैं, जिससे किसान के खर्चे कम हो रहे हैं, और जब खर्चे कम हो रहे हैं तो नेचुरली उसका उसकी इनकम बढ़ रही है। मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है ना, इसमें किसानों को बहुत फायदा हुआ है। ये योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, इसे किसानों की आमदनी में फर्क पड़ा है और उर्वरक का प्रयोग भी कम हुआ है, और किसान इस कार्ड के आधार पर रिक्वायरमेंट के आधार पर नई नई जो उपयोगी भूमि है उसके अनुसार जो किस्में उपयोग में लाई जा रही है वो वैरायटी अपने खेत पे उगा रहा है। फरवरी 2015 के बाद जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं जो हर किसान को फ़ायदा मिल रहा है, इसके बारे में उर्वरकों की जो अंधाधुन हो रही थी, ये अंधाधुन उपयोग किया जा रहा था वो कम कर दिया गया है, और अभी जो है ना इससे किसान जो फ़ायदा ले रहे हैं उन्नत किस्म और उन्नत बीज का उपयोग कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड का लाभ यही है सर कि किसानों को मिट्टी के परीक्षण के बाद जो फसल बोनी चाहिए वो सॉइल परीक्षण के बाद ही पता चलता है कौन सी फसल बोने से कितना लाभ होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड के फायदे क्या हैं? फायदे ये सर इसमें कि उस किस्म की फसल बोते हैं उसका मालूम पड़ जाता है कि इस मिट्टी के परीक्षण होने के बाद इस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा फायदा देगी इसके बाद ही मालूम पड़ता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जब आपने बनाया तब से अब तक आपको कितना फ़ायदा हुआ?
फ़ायदा हुआ सर, एक्स्ट्रा खाद जो डालते थे उसका बचत हो गई और जो ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी में ज़रूरत है उतनी खाद डालते हैं। सोल्ट हेल्थ कार्ड में फायदे ये है साहब, उनकी ज़मीन की जो फर्टिलाइज़र और जो कमी थी ज़मीन के, जो पीएच कितना है वो उसके बारे में पता चला, तो उसमें भाई खड़ी डालनी है, एसएसपी कितना डालना है, यूरिया कितना डालना है, पोटाश कितना डालना है, उसके बारे में हमारे को पता चला और उससे हमें फ़ायदा हुआ। सर हम बात करें आपके गांव की, तो कितने लोगों ने इससे लाभ लिया है? हमारे पूरे गांव के लोगों ने लिया, हमारे तो गाँव पहले से ही जागरूक था जी। और अभी सब लोग लाभ ले रहे हैं। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, उसमें आपका क्या कहना है? उसके बारे में तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा सब, एक तो मंडी भाव के लिए जी। और दूसरा है जो पानी का सोर्स है, जो नदियां जोड़ने का, उससे अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान देगी तो वास्तव में किसानों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा और सबका भला होगा। हमारे बीच में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सिंह जी, हम उनसे पूछेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। सर जैसे कि यहाँ चर्चा चल रही है सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? चर्चा अच्छी चल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड की ज़रूरत भी है, जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी किसान भाइयों को उनके ज़मीन के बारे में पता चले। जैसे अपने स्वास्थ्य का लोग जांच कराते हैं बाज़ार में पैथोलॉजी में जाके, उसी तरह जगह जगह सॉइल टेस्टिंग लैब खोली गई हैं और उनसे सॉइल टेस्टिंग सैंपल लेके जो अपने कृषि विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं फील्ड लेवल के, वो किसान भाइयों के खेत पे जाके उनके सॉइल सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद उसको लैब में ले जाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके आधार पे ही सारी जानकारी कार्ड में निर्धारित है, उस पर बनी हुई है और उसके हिसाब से टेस्टिंग के बाद उसकी उस पर्टिकुलर खेत में किस चीज़ की ज़्यादा अधिक मात्रा है या किसकी चीज़ की कम है, उर्वरता कैसी है उसकी, उसमें किस चीज़ की नेक्स्ट फसल जो लोग लगाते हैं उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, उस हिसाब से सारी जानकारी दी रहती हैं, उस हिसाब से ये लोग अपनी खेती में आगे कौन सी खेती करनी है, कौन सी खाद लानी है इनको, उस हिसाब से ये लोग यूज करेंगे, जिससे कि कभी कभी क्या होता है किसान भाई जानकारी नहीं रहती है तो बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा यूज कर देते हैं, और जानते हैं आजकल जो भी खादें हैं सब महंगी हैं, कोई सस्ता तो है नहीं कि लाके खेत में ऐसे ही डालते रहिए, उससे स्वास्थ्य अपनी मृदा की स्वास्थ्य भी ख़राब होती है, ज़्यादा अत्यधिक उर्वरकों का योग से जो ये फर्टिलाइजर्स हैं उनके उपयोग से ख़राब भी होता है मिट्टी। पहले की खेती में और अब की खेती में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, अभी जैसे 2-3 साल से सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना जो चल रही है उससे काफ़ी जागरूकता लोगों के अंदर आई है और काफ़ी सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम और या जगह जगह प्रोग्राम करके उनको जागरूक किया जा रहा है और सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा रहे हैं उनके खेत के जांच के आधार पे। तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा ये है कि लागत, आमदनी तो दुगनी करनी है लेकिन लागत कम करेंगे किसान भाई तब जाके उनकी इससे असर पड़ेगा। किसान भाई ने सॉइल हेल्थ कार्ड तो बना लिया जी, अब उसके बाद क्या ये आजीवन ही उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बन गया है या कुछ समय बाद दोबारा नहीं पड़ेगा? उसका जैसे क्या होता है कि हर चीज़ का उपयोग होता रहता है तो उसकी कमी आती है, तो उसी तरह से एक बार जब जांच हो गई तो 2-3-4 फसल लेने के बाद किसान भाई फिर से उसके जांच करा सकते हैं, क्योंकि उस समय हो सकता है किसी चीज़ की ज़्यादा अधिकता रही हो, किसी चीज़ कमी रही हो, तो एक जो संतुलन बनाने के लिए बीच बीच में जानकारी उसकी लेनी चाहिए, जिससे कि उसकी खेती अच्छी करते रहें और इनकी जो लागत है लागत कम हो और इनका लाभ बढ़े। अब वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे जोधपुर के किसान किस तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड का लाभ ले रहे हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों
गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत को जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर एस के तिवारी जी सर यहाँ के कितने किसान इस योजना से लाभ ले रहे हैं देखिए अभी इस योजना की शुरुआत पिछले 2-3 सालों से हुई है लेकिन चूंकि जैसा इसका हमने मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो मैंडेट रखा गया है जो भी इसमें स्कोप रखा गया है तो सारे किसान लगभग इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं और सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं सर यहाँ के कितने किसान जागरूक हैं जागरूकता के बाद सारे लोग लगभग जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के लिए हमारे कृषि विभाग के द्वारा स्कीम्स भी चलाई जा रही है गांव-गांव में विजिट करके हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर सब लोग जाके किसान फार्मर्स के ग्रुप बनाए गए हैं उनके द्वारा आपस में जागरूकता फैला के लगभग सबको जोड़ने की बात इसमें की जा रही है मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर से कि सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ बनाया जाता है सर इसके बारे में कुछ बताएँ सर प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चल रही है उस योजना के अंतर्गत जो अपने संबंधित ग्राम पंचायत का जो कृषि पर्यवेक्षक होता है सबसे पहले उनसे संपर्क करना है तो वो आपके सैंपल लेगा उस क्षेत्र का सैंपल लेगा और फिर आपको जिस खसरे में जिस जिस के नाम आते हैं उन सबको वो स्वास्थ्य कार्ड वितरण करेगा मैं ये पूछता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब ये पूछूँ कि भाई ज़मीन जगह जाँच करे मट्टी उन मट्टी ने गहराई कितनी खोदनी है और ऊपर से कितनी मट्टी लेनी है एक दो नमूना लेना है 3 नमूना लेना है जमीन की जांच करे तो भाई किसान ने तो पतो नहीं है क्या डॉक्टर ने पतो हो भाई किसान जमीन ले जावे खोद उन्हें गहराई में कितनी खोदनी है और ऊपर से कितनी लेनी है बीच में कितनी नहीं लेनी है कितना नमूना हुआ जमीन जाँच हुए इन बारे में डॉक्टर साहब पूछना चाहूँ किसान भाई को हम ये पूरा मृदा नमूना लेने के तरीके के बारे में पूरा कवर करेंगे इसके तहत तो सबसे पहले कोई भी नमूना लेने से पहले हमें कोई भी खेत है या प्लाट समानता होनी चाहिए समानता होनी चाहिए समानता मतलब रंग गुण टेक्सचर स्ट्रक्चर और ढाल के रूप में बराबर होना चाहिए ये नहीं कि समान नहीं है तो अलग अलग जैसे ढाल है तो ढाल का अलग जहाँ पानी रुका है वहाँ का अलग और रंग मैंने बताया जैसे काला और तरह और कुछ लाल तो रंग के हिसाब से समान होना चाहिए समानता होना चाहिए और सबसे पहले जैसे हम गहराई की बात की तो 0 से 6 इंच की गहराई तक का नमूना लेना चाहिए तो इसके लिए जैसे हमारा समान रूप से जो प्लाट है उसमें 8-10 गड्ढे खोदेंगे जिग जैग मोशन टेढ़े मेढ़े में और उसके लिए जैसे मेड़ और बॉर्डर से 1 मीटर की दूरी छोड़ के तब वो 10-12 जगह से 0 से 6 इंच की गहराई तक गड्ढा खोद देंगे और सभी गड्ढों से भी 2 से 50 ग्राम लगभग 0 से 6 इंच की गहराई की 10 गड्ढे की इकट्ठा करेंगे एक जगह पे, फिर उसको मिक्स करके समान रूप से उसके बाद में उसको गोल बनाएंगे 4 भाग में बांटेंगे फिर आमने सामने की मृदा जो है उसको डिस्कार्ड हटा देंगे फिर आमने सामने की एक क्रिया तब तक करेंगे जब तक 500 ग्राम मृदा नहीं बचे जब 500 ग्राम मृदा बचे तो उसको एक पॉलीथीन या कार्टन थैली में जो साफ हो उसमें भर के अपना नाम पता लिख के और अपने ज़िले की या ब्लॉक की जो भी लेबोरेटरी कृषि विभाग के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा चल रही वहाँ पे अपना नमूना भेजें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मृदा जांच कहाँ कहाँ होती और ये कर्म में खर्चा कितना आ सकता जैसे किसान भाई ने पूछा कि हम सॉयल हेल्थ कार्ड कहाँ से मृदा की जांच कहाँ पे करवाएं तो इसके लिए क्या है कि आजकल ब्लॉक लेवल पर भी लेबोरेटरीज विकसित की जा रही हैं वहाँ पर ले जाएँ और हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर भी लेबोरेटरी हैं और एक और जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ भी सॉयल साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी सॉयल इसकी टेस्टिंग होती है तो इस तरह से ज़िले से लेकर ब्लॉक से लेकर ज़िले तक आपको कहीं ना कहीं आपको लेबोरेटरी मिल जाएगी जहाँ पे आप उसकी जांच करा सकते हैं और अगर कोई आपका कृषि विभाग का अगर कोई पर्यवेक्षक उसके थ्रू जाते हैं
तो आपको इस स्कीम में कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपका निःशुल्क जांच की जाएगी और आपको मृदा हेल्थ स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। और अगर मान लीजिए किसी, अब अगर आप सिंगल किसी अपने टेस्टिंग को सॉयल को लेके जा रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेज हो उसको लेके और वो आपकी जांच करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड लिजान देवे मिट्टी पानी वो जोंस पासी कितो दिन देवे हाथों हाथ देवे या विरसार कितो देवे कब देवे किसान ने उत्तर देवे या दिनों दे। किसान भाई पूछ रहे हैं कि हमें कितने दिन बाद रिपोर्ट मिलती है टेस्ट करके। इसके लिए जैसे हमारे मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व दो होते हैं, जैसे मुख्य तत्व में तो ये लगभग 10 दिन लग जाता है मुख्य तत्व 10 दिन में, सूक्ष्म तत्व और मुख्य तत्व दोनों की टेस्टिंग 10 से 12 दिन में हो जाती है, क्योंकि 2 दिन लग जाता है 3 दिन उसको मृदा की तैयारी करने में ही, तो कम से कम 10 दिन मान के चलिए 10 दिन में रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। मिट्टी लेने के लिए क्या सावधानियाँ चाहिए और वो उसके साथ में पानी भी की जाँच भी ज़रूरी है क्या? किसान भाई हमारे पूछ रहे हैं मृदा नमूना कैसे लेते हैं, सावधानियाँ मुख्य सावधानियाँ उसमें ध्यान रहना चाहिए, हमने समान रूप से हमारा खेत समान होना चाहिए, तो मैं छायादार पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, मेड़ के किनारे 1 मीटर छोड़ के, सिंचाई की नाली के से 1 मीटर छोड़ के, और जैसे ढाल है तो वहाँ का अलग नमूना समान होना चाहिए। और जैसे मुख्य तत्व सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व जैसे आयरन होता है तो आयरन के लिए लोहे के लिए लोहे के किसी खुरपी या फावड़े से उसका नमूना नहीं लेना चाहिए, उसको लकड़ी के किसी उससे नमूना लेना चाहिए और सभी चीज़ के लिए कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे लोहे के लिए लोहे खुरपी से नहीं उसकी करना चाहिए, और 0 से 6 इंच की गहराई तक का नमूना 8 से 10 गड्ढे खोद के और उसकी मिट्टी एक साफ पॉलीथीन पे मिक्स करके और उसको 4 भागों में डिवाइड करके आमने सामने का मिट्टी को हटा दें, फिर आमने सामने की फिर रीमिक्स करें, फिर एक क्रिया तब तक करें कि जब तक 500 ग्राम हमारा मिट्टी ना हो जाए, जब 500 ग्राम हो जाए तब उसको पॉलीथीन साफ में भर के तब उसको किसान भाई उसको फेंच, और जो जिसे पिट वहाँ पे से घास होती है घास हटा दें, नहीं तो घास भी अगर उस मिट्टी में आ जाती है तो उसको छाल के ही रखें, नहीं तो वो भी उसका भी अंश आ जाता है टेस्टिंग के समय, तो जिसे घास नहीं आना चाहिए आपके गोबर का वो कुछ अंश नहीं है, अगर आसपास होना चाहिए साफ होना चाहिए। तो और पानी के लिए जैसे आप अपने नल या ट्यूबवेल की पानी टेस्ट कराना है तो उसके लिए कम से कम 15-20 मिनट चला दीजिए ट्यूबवेल का बोर, जैसे पाइप का पानी बाहर निकल जाए, तो उसके बाद साफ बोतल में 1 लीटर पानी लेके उसको लेबोरेटरी में ले जाएं और उसको कोशिश करें कि 1 या 2 दिन में, नहीं कि तुरंत उसको लीजिए नमूना और ले जाके लेबोरेटरी पहुंचाइए, नहीं तो उसको 1 हफ्ते आप रखे रहिए फिर उसमें और कंटामिनेशन होगा। तो बोरवेल या जिसका भी लेना हो तो आप उसको चला दीजिए कम से कम 1/2 घंटा, तब उसको पानी सैंपल लें हम। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गाँव एक नए विषय के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, नमस्कार।